क्या गारंटी है कि ये महामारी चली जाने के बाद फिर से नहीं आएगी? मन में ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि कोरोना का वायरस लगातार अपने वेरिएंट को चेंज कर रहा है, बार बार रूप बदलकर और भी खतरनाक होता जा रहा है। फर्ज कीजिए, इससे लड़ने के लिए दुनिया भर ने वैक्सीन लगा भी ली और कोरोना का ये वायरस अगर फिर से रूप बदल कर आया और उस पर हमारी वैक्सीन बेअसर हो गई तो क्या होगा? फिर ऐसी ही तबाही मचेगी, फिर ऐसी ही बेबसी होगी, फिर ऐसे ही बेगुनाहों की मौत होगी। जाहिर है, फिर तो ये इसका हल नहीं हो सकता। हमें कुछ तो ऐसा बनाना होगा जो न सिर्फ मौजूदा वक्त में बल्कि आने वाले वक्त में भी कोरोना के वायरसों के खतरे से हमें इम्यूनिटी दे सके। जाहिर है, ये सवाल अगर हमारे जहन में आ रहे हैं तो वैज्ञानिक भी इससे फिक्रमंद होंगे। तो सुनिए, हकीकत यह है कि न सिर्फ इस खतरे से वैज्ञानिक फिक्रमंद हैं, बल्कि उन्होंने एक ऐसी यूनिवर्सल वैक्सीन पर काम शुरू भी कर दिया है जो न सिर्फ कोरोना के COVID-19 वर्जन पर काम करेगी, बल्कि कोरोना की पूरी वायरस फैमिली के खतरे से हमें बचाएगी। इस सुपर वैक्सीन पर काम शुरू हो चुका है। दुनिया के कई देशों में ऐसी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है जो मल्टीपल कोरोना वायरस को टारगेट करेंगे। इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसे जानना जरूरी है। अभी तक आपने जितनी वैक्सीन देखी या सुनी है, सबकी अपनी अलग साइंटिफिक थ्योरी है जिन पर वो काम कर रही है। मगर ये यूनिवर्सल कोरोना वैक्सीन क्या चीज है और इसका मतलब क्या है? तो आपने टीवी पर सुना या अखबारों में पढ़ा होगा कि कोरोना का वायरस खुद को म्यूटेट कर रहा है, यानी अपने रूप को बार बार बदल रहा है, जिससे उसे पहचानने और उससे लड़ने में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। यूनिवर्सल वैक्सीन कोरोना के उसी शातिराना तरीके का तोड़ है। आसान भाषा में कहें तो इंसानों के लिए कोरोना के वायरस को बेअसर करने का रामबाण इलाज है। यानी एक बार वैक्सीन लगाने के बाद फिर कोरोना का वायरस कितनी ही बार म्यूटेट क्यों ना हो, कितनी ही बार अपने रूप क्यों ना बदले, उसका हमारे शरीर पर या हम पर कोई असर नहीं होगा। आइए इसको तफसील से समझते हैं। आपने कोरोना के वायरस के बारे में सुना होगा कि ये अलग अलग वेरिएंट में सामने आ रहा है। पहले ब्रिटेन वेरिएंट, फिर अफ्रीकन वेरिएंट, उसके बाद ब्राजील और आखिर में इंडियन वेरिएंट। अभी भी न जाने कितने और इसके वेरिएंट सामने आएंगे। ऐसे में इस रंग बदलते वायरस से निपटने के लिए कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा, वरना जैसे आज हम इससे जूझ रहे हैं, आगे फिर इस मुसीबत से दो चार हो सकते हैं। और ऐसा शक भी जाहिर किया जा रहा है, और कई ऐसी मिसालें भी हैं कि आज जो हमारे पास वैक्सीन है वो किसी खास वेरिएंट पर ही असर कर रही है, दूसरे वेरिएंट पर कहीं ना कहीं ये बेअसर साबित हो रही है, क्योंकि इन्हें COVID-19 के वायरस को जहन में रखकर बनाया गया है, जबकि COVID-21 अलग ही किस्म का और खतरनाक वायरस है जिसे कोरोना टेस्ट करने वाली किट भी ट्रेस नहीं कर पा रही है। हमें एक ऐसी वैक्सीन की जरूरत है जो इस पूरी कोरोना फैमिली के अलग अलग वायरसों को बेअसर कर दे। इसलिए दुनिया के कई वैज्ञानिक एक ऐसी वैक्सीन पर काम कर रहे हैं जो न सिर्फ मौजूदा बल्कि भविष्य में आने वाले किसी भी कोरोना वायरस के वेरिएंट पर काम करे, या वो वैक्सीन लगाने के बाद हमारे अंदर ऐसी एंटीबॉडी तैयार हो जाए कि वो बार बार रूप बदलने वाले इस वायरस को फिर कभी असर ही न करने दे। अमेरिका के वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जियांग जिन मिंग और डॉक्टर स्टीवन जेंशर कोरोना की ऐसी ही यूनिवर्सल वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। कोरोना वायरस का जो प्रोटीन है, एस प्रोटीन है या स्पाइक प्रोटीन है, जिसकी मिसाल मैं बहुत आसानी से इस तरह से दे सकता हूँ कि आल्पिन का जो हेड होता है वो कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन है, और उस हेड के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो 4 या 5 हज़ार तरीके के मोज़ेक बना सकता है। अभी इसने चंद मोज़ेक बनाए हैं जिसको हमने रिसर्च जीनोमिक स्टडीज से पता लगाया है। इसके बाद ये क्या करेगा कि ये और नए मोज़ेक्स बनाएगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से और सेलुलर स्टडीज के ज़रिए से और बायोकेमिस्ट्री से मुख्तलिफ साइंटिस्ट इकट्ठे होकर उन मोज़ेक को एक जगह रखेंगे, जैसे कई दुकानों से हम रसगुल्ले लाकर एक प्लेट में रख लें और उस प्लेट में सब रसगुल्लों को मिला दें और उसका जो शीरीनी निकले उसके खिलाफ हम वैक्सीन डेवलप करें। इस यूनिवर्सल वैक्सीन का मकसद है कोरोना की स्पाइक प्रोटीन, जिसे फ्यूजन पेप्टाइड भी कहते हैं, उसे टारगेट करना। इसको आसान भाषा में यूं समझिए
कि कोरोना वायरस की बाहरी सतह पर क्राउन यानी मुकुट की तरह दिखने वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ से वायरस प्रोटीन को निकालता है। इसी प्रोटीन से संक्रमण की शुरुआत होती है। ये इंसान के शरीर की कोशिकाओं से जुड़कर अपनी तादाद को बढ़ाने लगता है, जिसके आगे इंसान के शरीर का तंत्र बेबस होने लगता है। इसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। वैज्ञानिक अब कोरोना के इसी क्राउन को टारगेट कर रहे हैं, जिससे न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, और ये कोरोना के सभी तरह के वायरस में आम है। ऐसी यूनिवर्सल वैक्सीन किस तरह से काम करेगी, इसका समझना बहुत आसान है। मैं आपको एक ऑयल पिन की मिसाल देता हूँ। ऑयल पिन का जो टिप है, टिप गोल टिप, उसमें आप समझिए कि अमाइनो एसिड्स हैं और वो एस प्रोटीन है। तो एस प्रोटीन के कॉम्बिनेशंस के अलग अलग वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल है, तो हम क्यों ना उस लंबी रॉड के ऊपर वैक्सीन बना दें जो को उसको नाकारा कर दे, ताकि एस प्रोटीन के ज़रिए से वो ह्यूमन सेल्स को अटैच ना हो। तो इसलिए उस पे काम होना चाहिए। एक तो थ्योरी ये है। दूसरा ये है कि आप एक दुकान से या कई दुकानों से रसगुल्ले लें और कई दुकानों के रसगुल्ले एक प्लेट में रख दें, और उस प्लेट में कई दुकान के रसगुल्ले आने के बाद उसमें से आप सब में से थोड़ा थोड़ा सा ले लें और उसको एक चम्मच में डाल लें। तो ये जो उसका मोज़ेक का अंश होगा या चाशनी होगी रसगुल्लों की, उसमें सब रसगुल्लों का की क्वालिटीज़ होगी, तो उसके अगेंस्ट अगर हम वैक्सीन बना लेंगे तो वो यूनिवर्सल वैक्सीन हो जाएगा। यानी इस यूनिवर्सल वैक्सीन को एक बार लगा लिया तो आप कोरोना वायरस से बेखौफ होकर जिंदगी के मजे ले पाएंगे। इस वैक्सीन की कीमत भी काफी कम रहने वाली है, महज $1 यानी करीब 75 रुपए। ये यूनिवर्सल वैक्सीन अभी शुरुआती स्टेज में है, मगर अभी तक जानवरों पर जो इसकी टेस्टिंग की गई है उसके नतीजे शानदार मिले हैं। तो सवाल यह है कि ये जो वैक्सीन है वो बाकी वैक्सीन से अलग कैसे है। तो सुनिए, ये वैक्सीन शरीर में जाकर एक डीएनए बनाएगा और ये डीएनए वायरस का एक टुकड़ा बनाएगा, जिससे शरीर में पैदा होगी इम्यूनिटी जो वायरस से लड़ने और उसे बेअसर करने में मददगार साबित होगी। अभी तक हम वायरस से लड़ रहे थे, वैक्सीन से उसके खिलाफ एंटीबॉडी और इम्यूनिटी बना रहे थे, लेकिन बार बार वायरस खुद को म्यूटेट कर ले रहा था, यानी अपना रूप बदल ले रहा था, जिसकी वजह से वो लोगों को बार बार अपना शिकार बना रहा है। मगर अब यूनिवर्सल वैक्सीन वायरस को जड़ से ही बेअसर कर देगी। ये वैक्सीन उसके डीएनए पर हमला करेगी ताकि हमारा शरीर पहले से उसके हर किस्म के वेरिएंट से लड़ने को तैयार रहे। और आसान भाषा में समझाएं तो फर्ज कीजिए कि अगर कोरोना एक पेड़ है, तो अभी तक हमारी कोशिशें या कहिए कि वैक्सीन और दवाएं उस पेड़ को काटने के लिए है, मगर जितनी बार वो पेड़ काटा जा रहा है उतनी बार वो दोबारा उग जाता है। लेकिन यूनिवर्सल वैक्सीन का लब्बोलुआब यह है कि वो इस पेड़ को जड़ से उखाड़ेगा और उस जमीन पर मट्ठा डाल देगा, ताकि फिर कभी वहां पेड़ पनप ही ना पाए। अब एक सवाल और भी पैदा होता है, यूनिवर्सल वैक्सीन लगने के बाद दोबारा कोरोना होगा? जब हमने कोरोना की सारी फैमिलीज को कवर कर लिया और कोरोना के आने वाले जो है पीढ़ियों को कवर कर लिया और जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस म्यूटेशंस ये कर सकता था उसको कवर कर लिया, तो ये कहना फिर मुश्किल हो जाएगा कि कोरोना दोबारा हो सकता है। अभी हम जो वैक्सीन बना के रखे हैं वो प्रेजेंट कोरोना के हैं, और अगर हम टोटल कैलकुलेशन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, सेलुलर लाइंस पे जो रिसर्च होती है उसकी मदद से, और भी जो साइंटिफिक एविडेंस है उसकी मदद से वैक्सीन बनाएंगे, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन होंगे और आने वाली कोरोना की स्पीशीज में कारगर होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के सभी स्ट्रेन्स को हराने वाली यूनिवर्सल वैक्सीन जल्द ही तैयार हो सकती है, क्योंकि ये उस मॉडल पर बनाई जा रही है जिसे सुअरों में फैले कोरोना वायरस को बेअसर करने के लिए 2014 में बनाया गया था। आपको बता दें कि 2013 में इस वायरस की वजह से अमेरिका के 10% सुअरों की मौत हो गई थी, और तब इस टीके की वजह से सुअरों में फैले इस वायरस को बेअसर किया गया था। तब भी इस टीके के जरिए वायरस के डीएनए को समझा गया और टारगेट किया गया, ताकि वैक्सीन वायरस के डीएनए को बेअसर करे, जिससे बदलते वेरिएंट का झंझट ही खत्म हो जाए। अब फिर वायरस के वेरिएंट के इसी झंझट को खत्म करने के लिए इस टीके का ह्यूमन वर्जन तैयार किया जा रहा है। डॉक्टर फौशी के हिसाब से कोरोना वैक्सीन पे जब से काम हो रहा है, उनका ये सोचना है कि जल्दी से जल्दी हम वैक्सीन ऐसा बना लें जो यूनिवर्सल वैक्सीन हो, और उनके अंदाजे से 2 साल का ऐसा वक्त है
जो सोचा जा रहा है कि 2 साल के अंदर हमारे पास वैक्सीन होना चाहिए, और पैंडेमिक का भी अंदाज़ा यही है कि 2 साल चलेगी, तो विद इन द पैंडेमिक हमारे पास एक इफेक्टिव वैक्सीन होगा जिसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन कह सकते हैं। और इसका बनाना उनके हिसाब से इसलिए आसान है और साइंटिस्ट के हिसाब से इसलिए आसान है क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस म्यूटेट करता है। इस टीके के कई और फायदे भी हैं, जो वैश्विक टीकाकरण की कोशिशों में आ रही रुकावटों को दूर करेगा। इसकी स्टोरेज और यहाँ से वहाँ ले जाना आसान होगा। मौजूदा टीका बनाने वाले लैब्स का इस्तेमाल कर कम वक्त में इसकी बड़ी मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है। अमेरिका के वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जियांग जिंग मिंग और स्टीवन जेशनर की तरह ब्रिटिश साइंटिस्ट भी ऐसी ही एक वैक्सीन तैयार करने का दावा कर रहे हैं। ब्रिटिश साइंटिस्ट इसके लिए फिलहाल दुनिया में मौजूद सभी कोरोना वैक्सीन की स्टडी कर रहे हैं। ब्रिटेन की नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स के साथ ही यूके की दवा कंपनी स्कैनसिल इस वैक्सीन को विकसित करने के काम में लगी है।